नमस्कार, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत संवैधानिक जो परिवर्तन किए गए थे, हम उसका है वो अध्ययन है वो करेंगे। तो अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं गृह सरकार के बारे में। तो देखिए, भारत सचिव, तो भारत में ब्रिटिश शासन प्रणाली की एक मुख्य विशेषता थी शासन को दो भागों में बांटना, और एक भाग इंग्लैंड में कार्य करता था और दूसरा है वो भारत में। और शासन का जो भाग इंग्लैंड में कार्य करता था वह गृह सरकार कहलाता था, और इस गृह सरकार के 5 अंग माने जाते थे। इसमें नंबर 1 सम्राट, मंत्रिमंडल, संसद, भारत सचिव और भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल। और इनमें से भारत सचिव और भारत परिषद सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। भारत सचिव भारत के शासन संबंधी मामलों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी थे, तथा भारतीय राजस्व में से ही उसको वेतन मिलता था। और इस प्रणाली के विरुद्ध भारतीयों ने अनेक बार विरोध प्रदर्शित हैं वो किया था। अतः 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा भारत सचिव का वेतन इंग्लैंड के कोष से दिए जाने की व्यवस्था है वो की गई थी। अब 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत सचिव की शक्तियों में मामूली कमी की गई थी। प्रांतों में जो विषय भारतीय मंत्रियों को दिए गए थे उन्हें हस्तांतरित विषय कहा गया, तथा जो विषय गवर्नर के पास रखे गए थे उन्हें रक्षित विषय कहा गया था। हस्तांतरित विषयों में भारत सचिव का हस्तक्षेप निम्नलिखित बातों तक सीमित कर दिया गया था। अब इनमें नंबर 1 ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा, नंबर 2 ऐसे प्रश्नों का निर्णय करना जो प्रांतों द्वारा ना सुलझ सके, और नंबर 3 गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को 1919 के अधिनियम के अंतर्गत जो कार्य सौंपे गए थे उनकी देखभाल करना तथा उनके उचित कार्यों का समर्थन करना, केंद्रीय विषयों के शासन की है वो देखभाल करना, और इसके अलावा भारतीय हाई कमिश्नर भारतीय नौकरियों और अपने ऋण लेने के अधिकारों की है वो रक्षा करना। और इसके अलावा 5वां पॉइंट है केंद्र तथा प्रांतों के रक्षित विषयों पर भी भारत सचिव का नियंत्रण कुछ ढीला कर दिया गया था। और इस अधिनियम के पूर्व जो भी विधेयक केंद्रीय अथवा प्रांतीय विधानसभाओं में प्रस्तुत किए जाते थे उनमें भारत सचिव की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी, और इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि कुछ विशेष मामलों से संबंधित विधेयक जैसे विदेशी मामले, सीमा शुल्क, सैनिक मामले, मुद्रा तथा सार्वजनिक ऋण आदि को छोड़कर शेष विषयों में भारत सचिव की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकताएं वो नहीं होगी। और प्रांतों के मामले में यह निश्चित कर दिया गया कि किसी भी बिल को भारत सचिव के पास तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक कि गवर्नर जनरल उसकी स्वीकृति के बारे में कोई रुकावट उत्पन्न ना करे। 6ठा है भारत सचिव की स्वीकृति के बिना गवर्नर जनरल को कोई भी महत्वपूर्ण नियुक्ति करने से मना कर दिया गया, और भारत सचिव की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी महत्वपूर्ण पद कम करने पर वो रोक लगा दी गई। अर्थात इस अधिनियम के तहत जो बदलाव किया गया था तो उनमें हस्तांतरित विषय हैं वो भारतीयों को सौंपे गए थे, और रक्षित विषय हैं वो गवर्नर के पास हैं वो रखे गए थे।
अब हस्तांतरित विषयों में ऐसे विषय थे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, जैसे PWD है वगैरह, जिनमें पैसे की जरूरत होती थी, ऐसे उनको सौंपे गए। और जो मालामाल पद होते थे वे सब अंग्रेजों के पास रखे गए थे। इससे भी कोई भारतीयों को विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। अब हम देखते हैं 1919 के तहत भारत परिषद, तो भारत परिषद के संगठन में भी सुधार किया गया था। और अधिनियम के पूर्व भारत परिषद का सारा व्यय भारत के राजस्व से वसूल किया जाता था। और अब इस परिषद के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा कार्यालय के सभी खर्चे इंग्लैंड के खजाने से देने की व्यवस्था की गई थी। और ये भी व्यवस्था की गई थी कि भारत परिषद में कम से कम 8 तथा अधिक से अधिक 12 सदस्य हैं वो होंगे, जिनमें आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें भारत में सेवा करने का कम से कम 10 वर्ष का है वो अनुभव हो। और भारत परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था तथा उनका वेतन 1000 पौंड से बढ़ाकर 1200 पौंड वार्षिक कर दिया गया था। ठीक है, अब है हाई कमिश्नर। तो इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार हाई कमिश्नर के पद का सृजन किया गया। और इससे पूर्व भारत सरकार के लिए स्टोरों की सभी आवश्यक वस्तुएं और मशीनें भारत सचिव लंदन से खरीदा करता था। और इस अधिनियम में यह तय किया गया था कि हाई कमिश्नर भारत सरकार की सभी आवश्यक वस्तुएं लंदन से खरीदेगा। और इसके अतिरिक्त वह इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की सुविधाओं और आवश्यकताओं की तरफ ध्यान है वो देगा। और हाई कमिश्नर की नियुक्ति सब परिषद गवर्नर जनरल करता था और उसका वेतन भारतीय कोष से दिया जाता था। साधारणतया 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता था। और ब्रिटिश सरकार का विचार था कि इंग्लैंड में भारत का प्रतिनिधित्व हाई कमिश्नर द्वारा करवाने से भारतीय अनुभव करेंगे कि उनका सम्मान है वो बढ़ गया। किंतु भारतीयों ने इसकी नियुक्ति को कोई महत्व है वो नहीं दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय सरकार की। तो इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की रचना और उसकी शक्तियों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। और भारत की समस्त कार्यकारिणी शक्ति सपरिषद गवर्नर जनरल में निहित थी। और गवर्नर जनरल की शक्तियां पहले की भांति असीमित, निरंकुश और अनुत्तरदायी रही थी। भारत की शांति और सुव्यवस्था के लिए वह भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी था और भारत सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। अपने विशेषाधिकारों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा वित्तीय शक्तियों के कारण गवर्नर जनरल एक तानाशाह कहा जाता था और वह भारत में ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि होता था। और उसकी जो नियुक्ति है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर सम्राट द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती थी। गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी परिषद का प्रधान होता था तथा कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति उसकी अनुशंसा पर भारत सचिव करता था। गवर्नर जनरल अपनी इच्छानुसार कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों में कार्य का विभाजन करता था और कार्यकारिणी परिषद की बैठक भी बुलाता था। गवर्नर जनरल को कुछ विषयों में अपनी कार्यकारिणी परिषद की सम्मति ठुकरा देने का भी अधिकार प्राप्त था। और ये विषय थे कि ब्रिटिश भारत के हित तथा उसकी शांति और सुरक्षा। तो इस तरह गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या है वो 7 थी और जिनमें प्रधान सेनापति को भी सम्मिलित है वो किया गया था। तो इस प्रकार इस पूरी कार्यकारिणी पर गवर्नर जनरल का पूरा अधिकार है वो होता था।
अब हम बात करते हैं केंद्रीय व्यवस्था पिका की। तो देखिए, इस 1919 के अधिनियम द्वारा पहली बार दो सदनों वाली केंद्रीय व्यवस्था पिका की स्थापना की गई थी, और पहले सदन को विधानसभा और दूसरे सदन को राज्यसभा के नाम से जाना जाता था। पहले सदन को विधानसभा और दूसरे सदन को राज्यसभा कहा जाता था, और इसके तहत विधानसभा में 145 सदस्य थे, जिनमें से 104 निर्वाचित सदस्य, और निर्वाचित सदस्यों में से 52 सदस्य सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से, 30 मुस्लिम क्षेत्रों से, 2 सिख क्षेत्रों से, 9 यूरोपियन, 7 जमींदार, 4 भारतीय वाणिज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे, और 41 मनोनीत सदस्यों में 26 सरकारी अधिकारी और 15 गैर सरकारी अधिकारी होते थे, जिसमें केंद्रीय विधानसभा में। अब बात है केंद्रीय राज्यसभा की, तो इसकी अधिकतम संख्या 60 निश्चित की गई थी, और सरकारी सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती थी। बाकी 40 सदस्यों में से 34 तो निर्वाचित होते थे, तथा 6 गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी। विधानसभा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए तथा राज्यसभा 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होती थी, किंतु गवर्नर जनरल इन सदनों को कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकता था। अब है विधानमंडल का कार्य क्षेत्र। तो विधानसभा केंद्रीय सूची में उल्लेखित विषयों पर ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति से यह प्रांतों के लिए भी कानून बना सकती थी, किंतु यह 1919 ईस्वी के अधिनियम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी, तथा ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती थी जो ब्रिटिश सांसद के किसी कानून के विरुद्ध हो। केंद्रीय बजट सबसे पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता था और इसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता था, किंतु बजट के लगभग 85% भाग पर विधानसभा में बहस होती थी, लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे। तो इस तरह विधानमंडल में भी अंग्रेजों का पूरा अधिकार है वो था। अब इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी, और इसी के लिए शासन संबंधी समस्त विषयों को 2 सूचियों में बांटा गया था, एक तो केंद्रीय सूची और दूसरी है वो प्रांतीय सूची। अब केंद्रीय सूची में वो विषय रखे गए थे 47, जिनमें प्रतिरक्षा, विदेशी संबंध, देशी रियासतों से संबंध, रेल, डाक, तार, सिक्के, नोट, सैन्य विषय, सार्वजनिक ऋण, दीवानी फौजदारी कानून, सीमा शुल्क, रुई का उत्पादन कर, नमक कर, आयकर आदि, और प्रांतीय सूची में 50 विषय रखे गए थे, जिनमें स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा, शिक्षा, PWD, पुलिस, जेल, वन, सिंचाई, अकाल राहत, कृषि भूमि कर, सहकारी संस्थाएं आदि ये प्रांतीय विषय बनाए गए थे। तो इस तरह से महत्वपूर्ण विषय हैं वो केंद्र के पास किए गए थे, प्रांतों के पास महज कम विषय हैं वो दिए गए थे। अब 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में भी कई प्रकार के सुधार किए गए थे, और प्रांतों के सुधार में हम देखते हैं तो इस नियम के अंतर्गत प्रांतों में जो शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी उसे द्वेद प्रणाली कहा जाता है। तो द्वेद शासन का अर्थ है 2 शासकों का शासन। जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है कि संपूर्ण प्रशासनिक विषयों को केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची में विभाजित किया गया था, और इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रांतीय विषयों को भी 2 भागों में बांटा गया था, एक रक्षित विषय और दूसरे हस्तांतरित विषय। जिन विषयों को भारतीयों के हाथों में देने से ब्रिटिश सरकार को कोई विशेष हानि नहीं होती थी,
उन विषयों को हस्तांतरित किया गया था तथा उनका शासन भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया था। उदाहरण के रूप में स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई व्यवस्था, यूरोपियनों एवं आंग्ल भारतीयों की शिक्षा को छोड़कर शेष जनता की शिक्षा, सार्वजनिक कार्य, कृषि, सहकारी समितियां, मछली क्षेत्र, उद्योग धंधे, खाद्य वस्तुओं में मिलावट, जन्म तथा मृत्यु संबंधी आंकड़े, तोल और माप आदि 22 विषय हस्तांतरित हैं वो किए गए थे। तो इस तरह से कई विषयों को हस्तांतरित भी किया गया था। अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रांतीय विधानमंडल भी बनाए गए थे जिसमें 2 सदन रखे गए थे। वहाँ प्रांतों में केवल एक ही सदन रखा गया। प्रांतीय विधानमंडल से तात्पर्य है विधान परिषद, और इस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वो वृद्धि की गई थी। तो कुल मिला के हम देखें तो इस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने 1909 के अधिनियम को घुमा फिरा करके बड़ा चढ़ा करके पेश किया था, और इसमें विशेष तौर से उन्होंने कोई भारतीयों को ज़्यादा रियायत प्रदान नहीं कर सके, और इसी कारण से कांग्रेस ने द्वैत शासन प्रणाली का बहिष्कार किया था। और 1924 में कांग्रेस की ओर से स्वराज पार्टी ने चुनाव में भाग लिया तथा विधानमंडलों में प्रवेश कर इसे असफल बनाने का प्रयास किया था। अतः सरकार ने मूडी मैन समिति की नियुक्ति की, और इस समिति के यूरोपीय सदस्यों ने द्वैत शासन को मौलिक रूप से सही माना, परंतु समिति के भारतीय सदस्यों ने इसे वो गलत बताया। तो इस तरह 1919 का अधिनियम है, इससे भी भारतीयों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, अभी तो अंग्रेजों की इच्छा पूर्ति ही है वो हुई थी। धन्यवाद।